हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। दोस्तों, ये है हमारे उत्तराखंड वन लाइनर की स्पेशल सीरीज का पार्ट 4 और आज हम देखेंगे उत्तराखंड जीके में गढ़वाल, जिसे कि जो कि केदारखंड के नाम से भी जाना जाता था, उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्राचीन समय से लिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। और ये वीडियो उत्तराखंड में होने वाले कोई भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो से कोई ना कोई क्वेश्चन आप अपने पेपर में ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गढ़वाल, जिसका प्राचीन नाम था केदारखंड, हमने कल देखा था कि मानस खंड में कुमाऊं को कूर्मांचल कहा जाता था, वैसे ही गढ़वाल शब्द जो था वो एकदम से नहीं आया। तो पहले जो हम महाभारत या पुराणों में जो वर्णन देखते हैं उसमें मानस खंड और केदारखंड की बात होती है, तो केदारखंड ही गढ़वाल का प्राचीन नाम है। और गढ़वाल शब्द जो माना जाए तो किस वंश की देन है या किस वंश ने गढ़वाल को गढ़वाल पहला शब्द, क्योंकि पहले बहुत सारे गढ़ों में विभाजित था, तो परमार वंश था, जो परमार वंश के राजा थे कनकपाल। और फिर हम इनके बारे में हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी अभी सिर्फ इतना यहाँ ध्यान रखिए कि गढ़वाल शब्द तो किस वंश की देन है, तो परमार या पवार वंश की देन मानी जाती है। उसके अतिरिक्त जो गढ़वाल शब्द का प्रथम प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था, तो गढ़वाल शब्द का पहला प्रयोग किया प्रथम प्रयोग किया गया था मौलाराम जी के द्वारा। तो मौलाराम ने पहली बार प्रयोग किया था गढ़वाल शब्द का, और गढ़वाल शब्द है पंवार या परमार वंश की देन। अगर महाभारत और पुराणों की बात करें तो उसमें इस क्षेत्र को किन किन नामों से जाना जाता था, तो उस समय इस क्षेत्र को बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि, केदारखंड आदि नामों से जाना जाता था। तो बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि, केदारखंड, ये सभी नाम किसके हैं, गढ़वाल की। ये महाभारत और पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। अब बात करें जो वेद व्यास जी हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की है, तो इन्होंने एक संहिता लिखी है जिसका नाम है षष्टि लक्ष्य संहिता। तो इसकी रचना कहाँ पर की गई, तो इसकी रचना भी कहाँ की गई, गढ़वाल में ही की गई, बद्रिकाश्रम में ही की गई। तो गढ़वाल का पुराना नाम है बद्रिकाश्रम। तो श्री वेदव्यास जी ने षष्टि लक्ष्य संहिता भी बद्रिकाश्रम में लिखी। और जो हमारे मनुष्यों के जो आदि पूर्वज माने जाते हैं, मानव की उत्पत्ति जिससे जिनसे मानी जाती है हमारे वेद पुराणों के अनुसार, तो मनु, तो ये मनु निवास कहाँ करते थे, तो मनु का निवास स्थान था अलकापुरी, और अलकापुरी ही राजधानी थी किसकी, कुबेर की। तो ये दोनों ही पॉइंट, जो अलकापुरी है गढ़वाल पे ही निवास करते थे मनु, और कुबेर की राजधानी भी अलकापुरी है। उसके अलावा सप्त सिंधु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, अगर सप्त सिंधु हमें जो ऋग्वेद में सप्त सिंधु पर जो शब्द सुनने के लिए मिलता है, तो सप्त सिंधु जो शब्द प्रयोग हुआ है वो भी किसके लिए प्रयोग हुआ है, गढ़वाल के लिए प्रयोग किया गया है सप्त सिंधु शब्द। उसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख स्थान है, जो महर्षि वशिष्ठ का आप सभी ने नाम सुना होगा, श्री राम जी के जो वंशजों के जो उनके कुलगुरु थे, तो वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ कुंड और विषोम पर्वत, ये सभी के सभी कहाँ स्थित हैं, जो वर्तमान में टेहरी गढ़वाल है वहाँ स्थित हैं। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ विषोम पर्वत और वशिष्ठ कुंड, तो सभी के सभी कहाँ स्थित हैं, टेहरी गढ़वाल में। उसके अलावा मंसार का मेला, जो कि बहुत फेमस मेला है, तो मंसार का मेला हमेशा लगता है, कौन से स्थान पे लगता है मंसार का मेला, तो मंसार का मेला लगता है देवप्रयाग में। और मंसार किस लिए फेमस है, तो सीता माता ने जो धरती में प्रवेश किया था, तो सीता माता ने जब अंत में जो धरती में समा गई थी, तो इसी स्थान पे सीता माता कहाँ समाई थी, धरती पे। तो मंसार का मेला देवप्रयाग में लगता है और ये स्थान है सीता माता के धरती में समाने के लिए फेमस। उसके अलावा रघुनाथ मंदिर, या जिसे बोलते हैं हम अंतिम तपस्या स्थल, या फिर जो श्री राम जी का अंतिम तपस्या स्थल है रघुनाथ मंदिर, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है कि रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो देवप्रयाग में ही स्थित है रघुनाथ मंदिर।
उसके अतिरिक्त तो जो लक्ष्मण की तपोस्थली कहा जाता है वो किस स्थान को कहा जाता है, तो ये तपोवन को कहा जाता है, ये भी कहाँ स्थित है, देवप्रयाग में। अब एक राजा हुए थे वाणासुर, इनकी राजधानी कहाँ स्थित थी, तो वाणासुर की राजधानी हुआ करती थी ज्योतिषपुर, जो कि जोशीमठ का पुराना नाम है, जोशीमठ चमोली में स्थित है, इसका पुराना नाम है ज्योतिषपुर, और ये वाणासुर की राजधानी भी हुआ करती थी। ऋग्वेद में ऋग्वैदिक सिंधु किसे कहा गया है, या किसे कहा जाता है, ऋग्वैदिक सिंधु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है ऋग्वेद में, तो ये अलकनंदा नदी के लिए किस किया गया है, ऋग्वैदिक सिंधु का प्रयोग, और अलकनंदा गंगा की ही सहायक नदी है, और गंगा के लिए महाभारत में त्रिपथका, तो त्रिपथका जो महाभारत में त्रिपथका शब्द का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है, वो गंगा नदी को कहा गया है त्रिपथका महाभारत में। उसके अतिरिक्त जो रघुवंश एक महाकाव्य है जो कालिदास जी ने लिखा है, तो रघुवंश में कालिदास द्वारा गढ़वाल के लिए किस शब्द का प्रयुक्त हुआ है, तो रघुवंश में कालिदास ने गढ़वाल के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया है, तो गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया है रघुवंश में कालिदास जी ने गढ़वाल गढ़वाल के लिए। उसके अतिरिक्त तो महाभारत का एक फेमस पर्व है, महाभारत के वन पर्व में, वन पर्व के अनुसार किन दो जातियों का उत्तराखंड में अधिपत्य था, तो महाभारत के वन पर्व से हमें पता चलता है कि उस समय कौन सी जातियां उत्तराखंड में राज्य करती थी, तो उस टाइम पे थे पुलिंद कुलिंद और कुशल जाति उत्तराखंड में राज्य करती थी, तो आप कुलिंद और कुशलों का उत्तराखंड में अधिपत्य था महाभारत के वन पर्व के अनुसार, और पुलिंद पुलिंद जाति जो थी उनके राजा थे सुबाहु, इनकी राजधानी कहाँ थी, तो इनकी राजधानी थी सुबाहुपुर, जिसका वर्तमान नाम है श्रीनगर, तो सुबाहुपुर राजधानी थी पुलिंद शासक सुबाहु की, और इसका जो वर्तमान नाम है सुबाहुपुर, इसका है श्रीनगर। उसके अतिरिक्त अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना, ठीक है, कालिदास जी ने लिखी अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इसकी रचना कालिदास जी ने कहाँ पर को की, तो इसकी रचना की कालिदास जी ने मालिनी नदी के तट पर कण्वाश्रम में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई एक शब्द आया है कि कण्वाश्रम, अब कण्वाश्रम क्या है, जो वन पर्व हम पढ़ते हैं महाभारत का, उसमें दो आश्रमों की बात की गई है, एक है बद्रिकाश्रम और एक दूसरा है कण्वाश्रम, तो गढ़वाल में दो विद्यापीठ हुआ करते थे उस टाइम पे, एक बद्रिकाश्रम और एक कण्वाश्रम, तो कण्वाश्रम में ही अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की कालिदास जी ने मालिनी नदी के तट पे, और कण्वाश्रम का वर्तमान नाम क्या है, चौका घाट, तो चौका घाट है कण्वाश्रम का वर्तमान नाम। इसके अलावा आप ये भी जानिए, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा कि महाभारत के किस पर्व में लोमश ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का संबंध है, तो लोमश ऋषि के साथ पांडवों ने बद्रीनाथ यात्रा, तो ये किस पर्व से पता चलता है, ये भी हमें महाभारत के वन पर्व से पता चलता है। और जिस समय उत्तराखंड में गढ़वाल में बौद्ध मत का अधिक प्रचार हुआ, उस समय कौन सी जनजाति निवास करती थी, तो खसों के समय में उत्तराखंड के गढ़वाल में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो कण्वाश्रम जिसका वर्तमान नाम है चौका घाट, तो आप इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा। उसके अतिरिक्त जो क्वेश्चंस हो सकते हैं पेपर में, ये भी पूछ सकते हैं कण्वाश्रम से, जो कण्वाश्रम है ये दुष्यंत और शकुंतला जी के प्रेम, जो दुष्यंत और शकुंतला जी के प्रेम प्रसंग के कारण भी प्रसिद्ध है, और कण्वाश्रम ही वही वह स्थान है जहां पर को चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो और एक और क्वेश्चन आप ये ध्यान रख सकते हैं कि महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर को भरत के तीर्थ केंद्रों के विषय में कौन बताते हैं, तो ये बताते हैं युधिष्ठिर को भरत के तीर्थ केंद्रों के विषय में, ये बताते हैं ऋषि सौम्य ने बताया था युधिष्ठिर को भरत के तीर्थ केंद्रों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो का अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना सपोर्ट इसी प्रकार हमें देते रहिए दोस्तों, ताकि हम आपके लिए और भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियोस लाते रहें। उसके अतिरिक्त दोस्तों, हमने जो
इम्पोर्टेंट मैथ्स के, रीजनिंग के, उत्तराखंड जीके के और अदर टॉपिक में जो वीडियो बनाए हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस सीरीज में वीडियोस आते रहेंगे कंटिन्यूसली। मैं ये वन लाइनर की सीरीज में, उत्तराखंड वन लाइनर की सीरीज में वीडियोस के पार्ट वन, पार्ट टू, ये पार्ट फोर तक हम पहुंच चुके हैं, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे आगे को। और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि उत्तराखंड के जितने भी वन लाइनर हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे हम कवर कर सकें। तो दोस्तों इसी प्रकार अपना सपोर्ट हमें देते रहिए और निरंतर कोशिश करते रहिए, तैयारी करते रहिए। तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।